बुरा लगता है कि इतना पैसा भी खर्चा किए हैं। और पहली बात तो 2-3 साल तक मेहनत किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पोर्ट 24। मैं हूं शुभेंदु पंडित। वर्तमान में जिस प्रकार से राज्य और केंद्र की व्यवस्था चल रही है, उसमें युवाओं का कितना मतलब जो है ह्रास हो रहा है, इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों को जो प्रतियोगिता में जो विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी चल रही है वो चरम पर पहुँच गई है। लगातार प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। लगभग देश के हर स्टेट में लगातार प्रतियोगिता परीक्षा में जो है धांधली की बात सामने आ रही है। आप यूपी की टीटी जो है उनका जो है लगातार उनका क्वेश्चन जो है लीक हो गया। झारखंड में जेपीएससी को लेकर के जो है लगातार आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से झारखंड सिविल एग्जामिनेशन लिया गया वो उसमें बेहद ही त्रुटिपूर्ण रूप से दिखाया गया। और वर्तमान में जो अभी देख रहे होंगे कि 57 विद्यार्थी जो पास किए गए थे उनको परीक्षा से फेल कर दिया गया। तो जब पास ही किया तो फेल किस आधार पर किया गया, यह भी एक सोचने वाली बात है। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर विद्यार्थी लोग रहते हैं, यहाँ पर वो स्टडी करते हैं और अपने घर को छोड़कर लगातार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि वर्तमान का जो परिवेश जिस प्रकार से चल रहा है, झारखंड में जिस प्रकार से हर प्रतियोगिता परीक्षा में भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं और लगातार उनका जो आयु है वो बढ़ रहा है और बेरोजगारी की जो संभावनाएं हैं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमारे साथ प्रतियोगिता परीक्षा में कुछ विद्यार्थी जुड़े हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। तरुण पंडित। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है, आप विद्यार्थी हैं, आप लगातार स्टडी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? इसमें तो बहुत सारा क्या बोलते हैं समस्या देखने को मिल रहा है। जिस भी विद्यार्थी को पास कर रहा है उसको भी फेल कर भी दे रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? और प्लस में वैकेंसी का बात बोलता है हेमंत सरकार की, रोजगार का साल है, नियुक्ति का साल है, लेकिन रोजगार दे नहीं रहा है। तब बोलता है कि अपने से ऐसे करो, रोजगार करो, अपने से खाली नौकरी ही रोजगार का बात ही नहीं है। वर्तमान में जिस प्रकार से आप स्टडी करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कितना मेहनत लगता है? मेहनत तो कड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी जब बोलता है कि सामने आता है कि एक ही सेंटर से सारा स्टूडेंट पास हो जाता है, कहीं कहीं लगता है कि सीरियल बाय वो भी पास हो जाता है। तो इस सब सिचुएशन को देखते हुए विद्यार्थी का जो है मनोबल थोड़ा सा गिर जाता है कि एक ही से इतना कैसे होता है। हम लोग भी उतना मेहनत करते हैं तो फिर हम लोग भी उतना नंबर लाते हैं तो फिर थोड़ा सा कुछ कम हो जाता है। एक और विद्यार्थी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो वर्तमान में आप देख रहे हैं लगातार प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द किया जा रहा है, विद्यार्थी हैं आप, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा रद्द किया जाता है तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत दुखी महसूस करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार सरकार जो बोलती है करनी और कथनी में काफ़ी अंतर है। जेपीएससी में जिस तरह घोटाला हुआ और 57 लोगों का रिजल्ट दिया, कभी पास होता है कभी फेल होता है, ये समय से बाहर लगता है। इसमें पूरा रिजल्ट को ही कैंसिल करना चाहिए और जो इसमें संलिप्त आदमी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कोई कदम ना उठा सके। एक और विद्यार्थी हैं हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी, ये बताइए कि लगातार झारखंड में जब से 21 साल का झारखंड हो गया जिसने 7 सिविल परीक्षाएं ली, लेकिन एक भी प्रतियोगिता परीक्षा को बेहतर रूप से नहीं किया गया, हर मामले में भ्रष्टाचार हुआ। विद्यार्थी हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है कैसा महसूस होता है? देखिए, हम लोग तो बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, देखिए यार इस तरह में इस तरह स्टूडेंट होता है, बहुत होता है कि एग्जाम देने जाता है, बहुत ही करके स्टूडेंट हैं, गरीब लोग, बहुत तरह गरीब भी स्टूडेंट होते हैं ना, फिर जाते हैं तो बहुत मेहनत से जाते हैं, एग्जाम रद्द करके आता है, उसका बुरा लगता है कि इतना पैसा भी खर्चा किए हैं। और पहली बात तो 2-3 साल तक मेहनत किए हैं, एग्जाम हुआ वो भी रद्द कर दिया, तो इससे बहुत बुरा लगता है। सरकार, राज्य सरकार कह रही है कि हम जो है हर साल 5 लाख रोजगार देंगे, उन्होंने चुनाव में वादा किया था। अब 5 लाख रोजगार का जो उन्होंने रोजगार मिलना था वो भी उसको भी खत्म कर दिया, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वादा करते हैं लेकिन वादा निभाते कहाँ हैं। बोलते हैं कि 5 लाख देंगे, ये नियुक्ति करेंगे, वो नियुक्ति करेंगे, लेकिन करते
बाहर से निकल जाते हैं, इससे थोड़ा लगता है कि ये सरकार ऐसी नहीं है। जो अपना सरकार आते हैं अपना सरकार बनने से पहले वादा करते हैं, सरकार बनते ही सब भूल जाते हैं। एक और हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? गोपाल कुमार साहब। गोपाल जी, ये बताइए कि विद्यार्थी जीवन में जिस प्रकार से घर द्वार छोड़ करके आप यहाँ रह रहे हैं, कितना कष्ट झेलना पड़ता है? बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ता है। अभी का जो स्थिति है कि सरकार जब झारखंड सरकार जब जिस टाइम वादा कर रहे थे कि जब मेरा सरकार बनेगी तो हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, उस पर तो खैर अटल रह गया, जो बोले वो तो खत्म हो गया। सर, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार का नीति ही खराब है। अगर वो चाहते तो दे सकते थे, मगर उसका जो अपना जो विचार है वो बदल नहीं सकता है, वो अपना ही विचार पे अटके हुए। अभी आप रह रहे हैं, आप रूम भाड़ा में रह रहे हैं, आपका घर यहाँ पर नहीं है, इतना कष्ट झेलते हैं, कैसे आप अपने आप को मैनेज करते हैं ताकि लोग देखे एक विद्यार्थी जो है घर द्वार छोड़ करके इतना मतलब जो है कष्ट जीवन जी रहा है, लेकिन सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही। हम बोले ना, घर से कम से कम 20-30 किलोमीटर दूर घर पर, यहाँ घर छोड़ कर, घर द्वार छोड़ कर, अपना यहाँ पर छोटा परिवार होते हुए भी अपना घर छोड़ के अपना नौकरी हासिल करने के लिए दिन रात खाना बनाना, पढ़ना लिखना 3-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये झारखंड सरकार और स्टेट सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जो भी हो रहा है उस पर रद्द ना हो, और जो भी जो गलत तरीका से हो रहा है उसके लिए पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, जिससे हम लोग को मौका मिला जाए। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि JPSC में 57 व्यक्तियों को फेल कर दिया, जो पास थे उनको फेल कर, वो गलत तरीका है, है? वो गलत तरीका है। जब उसको फेल किया तो सबको फेल करें, नहीं तो पास करें सबको सीधी। अभी JPSC के लिए आंदोलनकारी छात्र जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या वर्तमान में जो JPSC सातवां JPSC को रद्द होना चाहिए? बिल्कुल रद्द होना चाहिए। वो गलत तरीका से कर रहा है तो बिल्कुल रद्द होना चाहिए। जिस प्रकार से JPSC सातवीं JPSC में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिनको लगातार एक सेंटर से सीरियल वाइज पास कर दिया गया, विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद जब जांच हुई तो फिर 57 व्यक्तियों को फेल कर दिया गया, तो पास और फेल की जो वर्तमान जो नीति JPSC के द्वारा की जा रही है वो वाकई में एक बड़ा एक सवाल पैदा कर रहा है। हमारे साथ एक और विद्यार्थी है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से झारखंड सरकार लगभग 2 वर्ष उनका पूरा होने वाला है, कह रहे थे कि हर साल जो 5 लाख दें, तो 5 लाख देने की बात तो छोड़िए, जो भी 5,000 था उसको भी रद्द कर दिया, कैसे देखते हैं? तो सरकार अभी बहुत ही सोई हुई है, हम कहेंगे तो अभी सरकार जगी नहीं है यानी सोई हुई है, इससे सरकार हम लोग के प्रति कुछ भी नहीं कर रही है। जो भी अभी कुछ कहीं कहीं भाषण दे रहे थे हमसे सुन रहे हैं न्यूज में, जैसे आप लोग माध्यम से हमको पता चला है जानकारी चली कि फिर से वही प्रोसेस जो पेड़ पर चढ़ना है ना, अपना JPSC का जो अभी देख रहे हैं JPSC वाला, उसमें जो 57 का रिजल्ट दिया जिसको कैंसिल किया जा रहा है, तो बहुत ही खराब है। हम बोलते हैं वो वहाँ जो ऑफिसर बैठा हुआ वो सब का भी यानी कि बोलिए तो वो सब हम लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग से अनपढ़ वाला काम करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि राज्य सरकार की तो 5 लाख देने की बात हुई थी जी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अभी 2019 में 1 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात हुई थी। रेलवे का चुनाव से पहले लिया गया, हर व्यक्ति से 500 रुपया रेलवे की नौकरी को लेकर के जो है GD जो है जो भी उनका वैकेंसी निकला था 500 रुपया प्रति कैंडिडेट के लिया गया। 3 साल होने के बावजूद भी आज तक उनका जो है मतलब जो परीक्षा नहीं लिया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? अभी तो इतना दबाव होने के बाद कुछ दिन ट्विटर के माध्यम से पता चला है कि अब फरवरी में उसका एग्जाम होने वाले, ग्रुप डी वाले, रेलवे वाले जो 2019 में कम रहे यानी कि 2 साल बीत चुका है, अब फरवरी में वो भी हो या ना वो क्लियर नहीं, लेकिन जहाँ तक नेट में दिखाया जा रहा है कि सही सर्वे से वो एडमिट कार्ड जारी करेंगे, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। इससे बहुत सारा युवा जो है मनोबल खोकर बहुत सारा यहाँ हम लोग जो जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ से करीब 10-15 विद्यार्थी खाली कर रहे हैं इसी मनोबल गिरने के कारण। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि विद्यार्थियों का भी मनोबल गिर रहा है, और एक और हम सवाल उनसे जानना चाह रहे हैं कि रेलवे का जो वैकेंसी है 3 साल बाद परीक्षा नहीं लिया गया, 3 साल जो आपके बर्बाद हुए उसको आप कैसे देखते हैं? अपने हिसाब से देखते हैं कि एक सप्ताह ट्रेन रुका हुआ नहीं है, इसके कारण जो बहुत सारा आदमी पढ़ाई को छोड़ दे रहा है, प्लस में
पढ़ाई छोड़ के घर भी जा रहे हैं ताकि घर का समस्या भी कुछ अलग होता है। और 3 साल उसको वेट करता है, जब समय समय पर बोला था कि हम अगस्त में 2019 में ही एग्जाम लेंगे, लेकिन अभी तक एग्जाम लेने का संभावना नहीं है। लेकिन आया तब अब बोल रहा है कि वो भी टेंटेटिव है, 23 फरवरी से होगा क्या नहीं होगा, इससे मुकर रहे हैं हम लोग। एक और विद्यार्थी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जिस प्रकार से वैकेंसी निकल नहीं रही है, जो पहले का वैकेंसी है उसको भी भ्रष्टाचार के मामले में रद्द किया जा रहा है, कितना साल से आप स्टडी कर रहे हैं और कैसे इस चीज को देखते हैं? 5 साल से स्टडी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सरकार सिर्फ खाना बना के समय करना चाहती है और चुनाव को वक्त वैकेंसी निकालेगी, फिर ऐसा कुछ प्रक्रिया करेगी, फिर अगला चुनाव को निकालेगी। लोग सिर्फ चुनाव के लिए सिर्फ वैकेंसी को बढ़ावा देके सबको लालच में फंसाता है, फंस भी जाते हैं और चुनाव को पता नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि विद्यार्थी जो यहाँ पर कठिन तपस्या करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो मानसिकता है वो रोजगार देने की लग नहीं रही, हर वैकेंसी में भ्रष्टाचार के मामले आते हैं और बाद में रद्द कर दिए जाते हैं। विद्यार्थी कोई 5 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई 3 साल से कर रहे हैं, कोई लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो सरकार का जो शिष्टाचार है वो बेहद ही संगीन है, हर मामले में भ्रष्टाचार। झारखंड सबसे ज़्यादा मतलब जो है गरीब प्रदेश है, यहाँ के युवा बहुत गरीब हैं, किसी तरह वह अपना जीवन यापन करने के लिए जो है अपने घर से संसाधन के रूप में मुहैया कराते हैं और तैयारी करते हैं, लेकिन लगातार 5 साल 3 साल बीत जाने के बावजूद भी इन लोगों का ना तो परीक्षा हो पाता है, परीक्षा हुआ तो फिर रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई तो फिर उनको रद्द कर दिया गया। तो वही मामला है कि देश में लगातार चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों रोजगार देने के मामले में वर्तमान स्थिति में फैल नजर आते हैं, क्योंकि हर मामला में भ्रष्टाचार। यूपी टीचर टेट का जो परीक्षा हुआ उसमें रद्द कर दिया गया, झारखंड में जेपीएससी में पहले पास फिर फेल, उसी प्रकार से हर राज्य में जो है इस मामले रोजगार को लेकर के जो है बड़ा ही मतलब बेहद युवाओं के साथ छला जा रहा है। और सभी को ही जानते हैं कि विद्यार्थी अपने जीवन में किस प्रकार से कष्ट झेल करके पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में कितना मेहनत लगता है एक विद्यार्थी ही बता सकता है, क्योंकि अगर आपको देखना है तो आप 2 घंटा बैठ करके पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पढ़ने में कितना मेहनत और कितना कठिन और कितना दिमाग लगता है। तो वर्तमान परिवेश में दोनों सरकारें जो है ये रोजगार के मुद्दे पर फैल है, और इस प्रकार से अगर सरकार की कार्यशैली रही तो आने वाले दिनों में लोगों की पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी और सरकार जो है देखते रह जाएगी। आप देख रहे थे ऑन द स्पॉट, इस प्रकार की खबरों के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कैसा लगा यह प्रोग्राम? अगर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।